दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड में लगने वाले टायर के बारे में। दोस्तों कौन कौन सी कंपनी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके टायर हमें परचेज़ करने चाहिए, उनकी गारंटी वारंटी क्या होगी, उनकी प्राइसिंग क्या होगी, प्लस इसके साथ ही अगर आप बुलेट से ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो उस कंडीशन में आपको कौन सा टायर परचेज़ करना चाहिए, या फिर अगर आप इंटरसिटी ज़्यादा चलते हो या हाईवेज़ पे ज़्यादा चलते हो उस कंडीशन में आपको कौन सा टायर परचेज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी सब बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं जो बुलेट का टायर अवेलेबल कराती हैं, मगर हम मेनली 3-4 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी जो एक्चुअल साइज़ आपको लगा के देती है वो देती है 110/90/18 का, जो सीएट कंपनी का कंपनी लगा के देती है ट्यूब पैटर्न, जिसे आप आफ्टर मार्केट अपने बाइक में अलॉय व्हील इंस्टॉल करा के आप उसमें ट्यूबलेस में स्विच कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप इसके अल्टरनेट साइज़ के साथ अपग्रेड करना चाहते हो तो आप 110/90/18 को 120/80/18 के साथ भी अपडेट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मच बेटर है कि जो कंपनी साइज़ आपको एक्चुअल लगा के देती है 110/90/18 आप उसे ही यूज़ करिए, वो एक अच्छा ऑप्शन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अलग अलग रोड कंडीशंस में अगर आप चलते हो तो उस कंडीशंस में आपको कौन कौन से टायर परचेज़ करने चाहिए। दोस्तों अगर बात की जाए कि आप शहर में ज़्यादा चलते हो या फिर हाईवेज़ पे ज़्यादा चलते हो तो दोस्तों उस कंडीशंस में आप सीएट का जो जूम कंपनी लगा के देती है वो भी एक अच्छा टायर है, जिसके साथ कंपनी आपको 5 साल की वारंटी भी ऑफ़र करती है और पहला 2 साल आपको अनकंडीशनल वारंटी के तौर पे भी ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपोलो का एक्टिजिप R5 भी परचेज़ कर सकते हो, वो भी एक अच्छा टायर है जिसमें कंपनी आपको टोटल 5 साल की वारंटी ऑफ़र करती है और आपको पहला 3 साल जो होता है वो अनकंडीशनल वारंटी के तौर पे कंपनी आपको ऑफ़र करती है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये टायर काफ़ी बेहतर है मुझे लगता है। और अगर इसकी लाइफ की बात की जाए तो दोस्तों तकरीबन ये दोनों टायर जो हैं 30,000 से 35,000-38,000 किलोमीटर बहुत आराम से चल जाते हैं। ये दोनों पैटर्न में मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे आप टायर ट्यूब भी लगवाना चाहो या फिर ट्यूबलेस, दोनों पैटर्न में ये मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों इसके अलावा आप MRF में भी जा सकते हो, MRF भी परफॉर्मेंस देता है इस बुलेट के टायर के लिए, बट हाँ दोस्तों आप MRF का टायर में एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको उसमें अनकंडीशनल वारंटी ऑफ़र नहीं होती है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो अपने बाइक से, अगर आप लद्दाख या स्पीति वगैरह के ज़्यादा प्लान करते हो, अगर ऑफ रोड जो ट्रैक्स होते हैं उन पे ज़्यादा अपने गाड़ियों को लेके जाते हो तो दोस्तों उस कंडीशंस में ये टायर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आपके लिए मच बेटर है कि आप MRF कंपनी का जो मो ग्रिप आता है आप उसके लगाओ अपने गाड़ी में, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा सबसे बेहतर है दोस्तों मार्केट में कि आप मिचलिन का सिराक स्ट्रीट लगाओ, वो वन ऑफ द बेस्ट टायर है आपका ऑफ रोडिंग के लिए। उसके जो ब्लॉक्स हैं वो थोड़े बड़े हैं और उसकी ग्रिपिंग जो है वो थोड़ी मोटी है, तो वो अगर आप मिट्टी वाले या मड वाले रास्ते पे आप चलते हो ऐसे हिली एरिया पे, या फिर अगर ऑफ रोड्स पे भी ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो उस केस में वहाँ पे जो रोड पे उसकी पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन है अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप मिचलिन के सिराक स्ट्रीट के साथ जाओ, बट दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ्रंट टायर मिचलिन का लेना चाहोगे तो दोस्तों अब जो बुलेट नई वाली आ रही है उसमें कंपनी आपको आगे देती है 90/90/19 का टायर, और प्रॉब्लम ये है कि मिचलिन में ये पर्टिकुलर साइज़ अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आपको अगर मिचलिन का पीछे का साइज़ आप लगाते हो 110/90/18 तो आगे का साइज़ आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको 3/25/19 का ही टायर आगे डालना होगा, जो हो सकता है कि आपके आगे के मट कैप जो होता है उसमें कहीं टच करे, तो उसके लिए अगर आपको मैकेनिक से आफ्टर मार्केट बाहर कहीं एडजस्टिंग करानी पड़ सकती है तो ये इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आपको मार्केट में मैनेज करनी पड़ेगी। या तो अदरवाइज़ एक ऑप्शन ये है कि आप आगे वाला टायर किसी दूसरी कंपनी का लगवाओ और पीछे वाला मिचलिन का डलवा सकते हो। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऑफ रोड ज़्यादा जाते हो तो मिचलिन का वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, या फिर इसके
अलावा आप MRF का मो ग्रिप भी लगवा सकते हो, वो भी एक अच्छा टायर है ऑफ रोड के लिए। बाकी अगर आप इंटरसिटी जाते चलते हो, हाईवेज पे जाते चलते हो, तो दोस्तों आप अपोलो का R5 भी लगवा सकते हो, C8 का जूम X3 भी डलवा सकते हो, या फिर इसके अलावा MRF का जैपर भी डलवा सकते हो, तो ये अच्छा है। इसके अलावा मिशलिन सिटी प्रो के नाम से जो टायर आता है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप अंडर सिटी चलते हो, हाईवेज पे ज़्यादा चलते हो, मगर ऑफ रोडिंग के लिए आप मिशलिन का सिराक स्ट्रीट ही डलवाओ, मेरे हिसाब से वो मच बेटर टायर है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है ऑफ रोडिंग के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे।